दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे एक आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी भोपाल है जिसमें अगर आप किस तरीके से डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा सकते हैं और इस वीडियो में एक और बात करेंगे कि क्या यूनिवर्सिटी को हमें ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्या यूनिवर्सिटी वैलिड है या नहीं है। तो आज इस यूनिवर्सिटी के बारे में कम्प्लीटली बात करेंगे और आपको बताएंगे वो सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त बी के तिवाड़ी। दोस्तों अगर यूनिवर्सिटी के नाम की बात करें, आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी मतलब रामकृष्ण धर्मार्थ फाउंडेशन यूनिवर्सिटी, यानी कि यूनिवर्सिटी का नाम है और यूनिवर्सिटी भोपाल में स्थित है। अब अगर बात करें यूनिवर्सिटी के स्थापना की तो सन 2012 में यूनिवर्सिटी स्थापित हुई, यानी कि यूनिवर्सिटी के पास जो एक वैलिड अप्रूवल चाहिए यूजीसी के द्वारा वो यूनिवर्सिटी को मिला हुआ है। यानी कि यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन करा रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते अगर आप यूनिवर्सिटी नॉर्म्स एंड रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर एडमिशन कराते हैं भविष्य में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप किसी इस तरीके से या फिर किसी शॉर्टकट तरीके से अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं तो फिर इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों अगर यूनिवर्सिटी के कैंपस की बात करें तो 59 एकड़ एरिया है जिसके अंदर यूनिवर्सिटी स्थापित है। यूनिवर्सिटी का कैंपस काफी अच्छा है जो देखने में भी काफी खूबसूरत है और यूनिवर्सिटी भी काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है। हालांकि यूनिवर्सिटी जो है उस ग्रुप के पास ऑलरेडी 5 यूनिवर्सिटी है, तो यानी कि यूनिवर्सिटी का जो ग्रुप है काफी बड़ा है। इनके पास सत्य साई यूनिवर्सिटी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी और इसके साथ ही बात करें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी है, वो भी इन्हीं की यूनिवर्सिटी है। यानी कि यूनिवर्सिटी इनके पास कई है तो काफी बड़ा ग्रुप है, तो वो सारी फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को उस कैंपस में देखने को मिलती है। तो बेसिकली यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल सारे हैं और यूनिवर्सिटी यूजीसी एक्ट 1956 की धारा 2F के द्वारा रजिस्टर्ड है। यानी कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन आप करा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप उससे कोई भी कोर्सेज कर सकते हैं। बशर्ते एक शर्त यही है कि आप यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एडमिशन कराएं। अगर आप किसी शॉर्टकट के तरीके में पढ़ते हैं या फिर अगर कोई शॉर्टकट तरीके से या फिर और कोई अनलीगल तरीका है जिसके अकॉर्डिंग अगर आप डिग्री ले रहे हैं तो इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी रहती है। यूनिवर्सिटी ऐसा कोई भी तरीके का कोर्स या इस तरीके की कोई भी तरीके की डिग्री ऑफर नहीं करती है। अब अगर बात करें कि अगर हम इस यूनिवर्सिटी से कोई भी डॉक्यूमेंट ले चुके हैं या फिर अगर हमारे पास इस यूनिवर्सिटी का कोई डॉक्यूमेंट है तो उसे वेरीफाई किस तरीके से कराएं जो एक अच्छी वेरिफिकेशन होती है। बेसिकली यूनिवर्सिटियों से जो भी आप डिग्री या डिप्लोमा लेते हैं उनको वेरीफाई कराने का जो बेहतरीन तरीका हम मानते हैं तो वो आरटीआई बताते हैं। आरटीआई आप लगाकर यूनिवर्सिटी से उस डॉक्यूमेंट के बारे में पूछ सकते हैं। और बेसिकली इस ग्रुप की बात करें पर्टिकुलर, तो ये ग्रुप सभी उन डिग्रियों पर डिप्लोमा पर आरटीआई का जवाब देता है, आप इसको लगाकर भी देख सकते हैं। और यूनिवर्सिटी के अंदर आप सबसे अगर बेटर जिस ऑप्शन को माने तो आरटीआई से अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकते हैं। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं जिसके जरिए भी आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं, जिनमें अगर बात करें आप यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को ईमेल के जरिए यानी कि ईमेल सेंड कर सकते हैं और ईमेल पे आप उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा और भी एक तरीका है जिसके अकॉर्डिंग अगर बात करें थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन। थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन का मतलब सीधा सीधा यही है कि आप जब भी कहीं कोई कंपनी या फिर कहीं कोई भी ऐसी संस्था में ज्वाइन करते हैं और उस डॉक्यूमेंट के बेस पर और पर्टिकुलर उस डॉक्यूमेंट को वो संस्था आपके यूनिवर्सिटी में भेजकर उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराती है उसे थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कहते हैं। और जब भी आप जैसे मान लीजिए प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के लिए जाते हैं, आप वहां जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हैं तो वो जो संस्था है प्राइवेट संस्था आपके डॉक्यूमेंट को जो एक उनका जो तरीका है वेरिफिकेशन का उसको थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन बोलते हैं। या आप किसी भी ऐसी रजिस्टर्ड फर्म जो आपके किसी परिचित की है या मिलने वाले की है वहां पर उस डॉक्यूमेंट को आप उनके लेटर पैड के जरिए यूनिवर्सिटी में थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन भेज सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। या फिर आजकल बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कराती है, उनके जरिए भी आप उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें कि आप और कौन कौन से तरीके में अगर बात की जाए तो आप एक और भी तरीका है जिसके जरिए आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं। और उस तरीके की अगर बात करें तो इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी में विजिट करना पड़ेगा और विजिट करके यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग और वहां पर आपको एक वेरिफिकेशन फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म के साथ वो समस्त क्वालिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं यानी कि 10th 12th और आपका जो जो कोर्सेज किया है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, जो भी है,
वो और उसके साथ आधार कार्ड आप वहां पर फिलअप करके वो सारी चीजें आप उस फॉर्म के साथ अटैच करके यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट कर सकते हैं और फीस के लिए जो उन्होंने एक निर्धारित कर रखी है वो फीस आप वहां पर फिलअप कर सकते हैं, चाहे वो आप बैंक के जरिए करें या फिर आप ऑनलाइन करें डीडी के जरिए करें, उन लोगों को फीस चुकाकर आप वो जो वेरिफिकेशन का जो लेटर है यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा वो आपके बाय डाक आपके घर आ जाएगा। अगर आप वहां पर मान लो फिजिकली विजिट करने गए हो या फिर फिजिकली गए हो तो आप उसे हैंड टू हैंड भी लेकर उस डॉक्यूमेंट को आ सकते हो, उसमें कोई भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या आपको कुछ जो चीजें हैं जो आपके समझ में नहीं आ रही, इसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी पूर्ण रूप से मदद करेंगे। और दोस्तों अगर आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।